सब बच्चों को जब भी भूख लगती है ना, उनको बिस्किट्स ही चाहिए, लेकिन उसमें से खाएंगे सिर्फ 2 या 3, बाकी बिस्किट्स का क्या होगा? वो या तो सौगी हो जाते हैं और एंड मम्मा उसको फेंक देती है। लेकिन आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये उन्हीं स्पेशली लेफ्ट ओवर बिस्किट्स को हम रीयूज कैसे करें, एक इंटरेस्टिंग डिश भी बन जाए और बिस्किट्स रीयूज भी हो जाए। तो चलिए बने रहिए मेरे आज की वीडियो में और देखते रहिए उन लेफ्ट ओवर बिस्किट्स का रीयूज कैसे किया जाता है। ये देखिए, मेरे पास ये सारे मिले जुले फ्लेवर के बिस्किट हैं, कुछ आलमंड कुकीज हैं, कुछ ग्लूकोज कुकीज हैं, कुछ एक दो सॉल्टी बिस्किट्स भी होंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से बच्चों ने एक एक लेकर बाकी पैकेट छोड़ दिया। अब इसे मैंने मिक्सचर जार में डाला है क्योंकि हमें इसका एक फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर। देखिए इस तरह से, कोई भी बिस्किट पार्टिकल इसमें ना रहे, अगर रह गया हो तो इसे वापस एक चर्न कर लीजिए। अब इसे मैं एक बोल में वापस ट्रांसफर कर रही हूं क्योंकि बेकिंग का सबसे बेस्ट रूल यही है कि हर चीज मेजर करके डाली जाए तो हमारा जो केक है बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए, एक तो हमें पता चल गया है कि ये बिल्कुल फाइन पाउडर है। अब मेरे पास जो एक मेजरिंग कप है, आप कोई भी कटोरी कप आप मेजर करने के लिए ले लीजिए, उसी के अकॉर्डिंगली हम सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये देखिए, अब इसे मैं वापस मिक्सर जार में ही डाल रही हूँ क्योंकि हम जितनी भी मिक्सिंग कर रहे हैं ना, मिक्सर जार की हेल्प से ही करेंगे आज। मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि अगर तो क्रीम वाले बिस्किट होते तो मीठा की ज़रूरत नहीं थी। थोड़ा सा दूध ताकि इन्हें अच्छे से हम एक लम्प फ्री रनिंग बैटर हम बना सकें। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी दूध हम आगे चल के डाल लेंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालेंगे। ये देखिए, अब इसे मैं वापस मिक्स कर लिया है और एक बोल में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर का बना है ना ये बैटर। अगर दूध की ज़रूरत होगी तो हम आगे ऐड ऑन कर लेंगे, फिलहाल मुझे नहीं लग रहा इसमें दूध की ज़रूरत है अभी। ये देखिए इस तरह से, इसको हम देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। अब प्री हीट कैसे करना है अपने कढ़ाई को। ये पुरानी कढ़ाई है, मैं अक्सर इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। मैंने उसमें एक स्टैंड रखा है, एक प्लेट, और इसे लो फ्लेम पर मैंने सिम पर रख दिया है। अब ली है मैंने स्टील की कटोरी, उसे मैंने ग्रीस कर लेना है अच्छे से क्योंकि आज हम कोई मोल्ड नहीं ले रहे हैं, कोई हम अवन में बेकिंग नहीं कर रहे हैं। अब वापस हम अपने बैटर की तरफ चलते हैं, इसमें मैंने डाला है बेकिंग, इसे मिक्स कर लेते हैं क्योंकि अब हमने फटाफट से बेकिंग करनी है, अब वेट नहीं करनी। ये हमारी ग्रीस करी हुई कटोरियां हैं। इस बैटर को मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ, जितनी भी कटोरी है ना उसका हाफ। अब दूसरी तरफ मेरी कढ़ाई प्री हीट हो रही है क्योंकि हमने हमेशा बेकिंग प्री हीटेड पैन हो या प्री हीटेड माइक्रोवेव हो उसमें ही करनी है। ये देखिए कढ़ाई में एकदम से हीट अच्छे से हो चुकी है। अब मैं ये कटोरियों को इसमें मैं इस तरह से रख दूंगी। मेरे इस बैटर से इस साइज की ये 3 कटोरियां बनी हैं। अब सेम लो फ्लेम पर ही हम बेकिंग करेंगे इसकी। उसे मैं लिड लगाकर 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। देखिए ग्लास का लिड है तो मुझे दिख भी रहा था। 30 मिनट के बाद अब चेक करते हैं। ये देखिए, आप हाथ लगा कर देखेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छे से सेट हो चुका है। फिर भी हम यहाँ पे टूथपिक टेस्ट करेंगे। ये मैंने डाला है इसमें से, ये देखिए बिल्कुल क्लियर टूथपिक आई है। इट मीन्स हमारे जो ये छोटे छोटे से केक बने ना, परफेक्ट बने हैं। अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। एकदम से डीमोल्ड बिल्कुल मत कीजिएगा, एक तो गर्म है नहीं तो टूट भी सकते हैं अगर हम इन्हें गरम गरम करने की ट्राई करेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद किसी भी नाइफ की हेल्प से आप इनके एजेस क्लियर कीजिए। देखिए इस तरह से, आप गरम कटोरी होती है तो हैंडल करनी थोड़ी टफ रहती है ना। अब देखिए बहुत इजीली ये डीमोल्ड हो जाएगा ऐसे। ये देखिए, देखिए इतना बढ़िया ये कपकेक बनता है। देखिए कटोरी से ईजिली निकल गया है, ये देखिए, और सॉफ्ट, आप खुद इसे देख सकते हैं कितना कॉटन जैसा सॉफ्ट है, एकदम से सॉफ्ट। ये देखिए, देख रहे ना, इसमें कुछ मैंने ऐड नहीं करा है, कोई कंडेंस मिल्क नहीं ऐड करा, कोई मैंने ऑयल, कुछ नहीं, बटर कुछ ऐड नहीं करा है। और कितना बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। बच्चों को और फेवरेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप इसके ऊपर ड्रिजल करा है। आप अपनी तरफ से कुछ भी इसके ऊपर इनोवेशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, ये एज इट इज़ ही बहुत टेस्टी हैं। ना हमें मैदा चाहिए, ना हमें एक्स्ट्रा शुगर चाहिए, ना ऑयल बटर,
कुछ नहीं चाहिए, सिंपल जो हमारे बिस्किट्स होते हैं घर में वेस्ट हम कर देते हैं ना, बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं, उन्हीं से हमने आज इतने बढ़िया ये कपकेक्स बनाए हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको और आपके फैमिली को ये छोटे से कपकेक कैसे लगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्यास किचन।